फरीदाबाद के सेक्टर 11 में एक दिल्ली के तड़ीपार बदमाश पर दो कार सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर मौत के घाट उतार दिया। बता कि इस घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान सूरजभान उर्फ बल्लू पहलवान निवासी दीदानपुर दिल्ली नजफगढ़ के रूप में हुई है, जिसे दिल्ली पुलिस ने तड़ीपार किया हुआ था। बल्लू पहलवान फरीदाबाद के YMCA इलाके में पिछले कुछ महीनों से रह रहा था और सेक्टर 11 स्थित स्पेक्ट्रम फिटनेस जिम में जिम करके घर लौट रहा था कि तभी उस पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोली की बौछार कर दी और बल्लू पहलवान को मौत के घाट उतार मौके से फरार हो गए। इस मामले में जिम संचालक रोहित ने बताया कि बल्लू अक्सर 4 से 7 के बीच में आया करता था। बल्लू पहलवान ने बताया था कि उनका किसी से झगड़ा चल रहा है, इसलिए समय बदलकर जिम में आता था। वहीं रोहित के मुताबिक बिल्लू रोज नहीं आता था, लेकिन आज बल्लू लगभग 5 बजे के करीब शाम को जिम करने के लिए आया था और 6 बजे जिम करके नीचे उतरा था कि तभी जिम के नीचे मानो किसी ने पटाखे चला दिए हो, जिसके बाद जब उन्होंने नीचे झांक कर देखा तो बल्लू लहूलुहान हालात में जमीन पर पड़ा था। रोहित के मुताबिक बदमाशों ने लगभग 2 दर्जन से अधिक राउंड फायरिंग की और बल्लू को मौत के घाट उतार दिया। बल्लू पहलवान नाम करके इंस्टाग्राम, वो नीचे उतरा सीढ़ियों से तो कुछ बंदे उसके इंतजार में खड़े होंगे, ठीक है। मार्केट में भीड़ तो रहती है, 3-4 सेकंड की आवाज आई थी पटाखे जलने की या कुछ बहुत जोर से, हम भागे कि यार आवाज किस चीज की आई है, किसकी मतलब हिम्मत हो गई है, क्या सीन है, जो भी है। जैसे हम नीचे भागे तो सीढ़ियों पे से हमने देखा कि ये ऐसा फैला पड़ा है, हमने जैसे देखा उठाने की कोशिश करी इसको, डेथ था। और यहाँ पे इतना ही पता है हमें। और दूसरी बात ये है कि ये 6:20 से 6:25 की बात है, जब ये हाथ में लाके निकला कि जी मेरे को कहीं जाना है, मैं काम है, ये निकला 6:20 से 6:25। ये 3-4 महीने से आ रहा था और ये इसका ये कहना था कि भाई मेरी काफ़ी दुश्मनी है, रंजिश जो भी है, तो अपनी काफी चीजों को हमसे हाइड रखता था, बताता नहीं था, चलता था, धमकी रोस्ट करता था पब्लिक को, वो पता था शायद हवाबाजी कर रहा, हम भी समझते थे हवाबाजी, हमें भी ये लगा कोई हवाबाज होगा, कोई वजह होता है इंस्टाग्राम आज के इन्फ्लुएंसर होने की, फलाना ठिकाना ये, तो इसलिए ये बता रहा था भाई मैं मेरी जो चीजें हैं मैं आप कृपया अपन तुम लोगों से हाइड रखता हूं, तो मेरे बारे में कोई भी चीज शेयर ना करें, ना आईडी से, हमको मतलब भी नहीं था, और हमें कोई चीज से मतलब भी नहीं था कि भाई जो भी है कुछ भी है, पर ये था कि ये तड़ी पार वगैरह कोई था नजफगढ़ से, बल्लू पहलवान सूरजमान, क्या मैं भी तड़ी पार हूँ और मेरे को ना दिल्ली स्टेट में जाना अलाउड नहीं है, तो इस वजह से मैं यहाँ रह रहा हूँ और प्लीज मेरी आईडी को हाइड रखें, इस बात को मानते नहीं थे। वहीं इस घटना की सूचना मिलने के बाद फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर विकास कुमार अरोड़ा भी मौके पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम का जायजा लिया। फिलहाल मौके पर पहुंची क्राइम ब्रांच, स्थानीय पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीमों ने मौके से साक्ष्य जुटाए और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान सिविल अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक यह प्रथम दृष्टि से यह आपसी रंजिश का मामला लग रहा है, जिसके चलते इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। तो ये जो इसका आधार कार्ड मिला जिससे नाम आइडेंटिफाई हुआ है, ये सूरज बानूर बल्लू पहलवान के नाम से इसका आइडेंटिफाई हुआ है, तो अभी प्राइमरी जांच में ये पता लगा इनके आपसी कोई रंजिश है और ये दीदानपुर दिल्ली नजफगढ़ में रहने वाला है, तो अभी इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है, सारी इसके वारिस बुलाए हैं मौके पर और अभी हमारी सीनो क्राइम टीम, हमारे DCP साहब, CP साहब भी मौके पर आए हैं और अभी प्राइमरी इन्फॉर्मेशन ये है कि इनकी आपसी कोई रंजिशन कोई मामला है। यही हुआ ना, भी कुछ लोग इसको गोली मार के गए हैं तो उस पे मौके पे पहुंचे, अभी तफ्तीश चल रही है, जैसी इन्फॉर्मेशन होगी बताएंगे। तो कितने राउंड फायर हुई है, कितने लोग आए? अभी जो प्राइमरी हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसमें 2 लोग कैमरे में दिखाई दे रहे हैं और व्हाइट कलर की कोई गाड़ी है और उसमें 2 लोग आए हैं, उन्होंने फायर किए हैं। अभी शक है हमारा, जो प्राइमरी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है अभी हमने मैसेज उनको दे दिया है और अभी आएंगे फिर डिटेल पूछताछ करेंगे। सर मृतक का कोई संबंध लॉरेंस गैंग से भी बताया जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है, इन्वेस्टिगेशन अभी हम करेंगे, जैसे होगी बताएंगे।